गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू योर नीट ये चैनल आई होप आप सब अच्छे से होंगे ऑल ऑफ ग्रेट सो माय डियर स्टूडेंट्स एक बार चैट्स में मुझे बता दे सभी लोग क्या सबको मेरी आवाज आ रही है एम आई परफेक्टली ऑडिबल विजिबल टू एवरी वन क्विकली लेट मी नो क्विकली इन द चैट्स सबको मेरी आवाज आ रही है एम आई परफेक्टली ऑडिबल विजिबल टू यू इटिंग इश्यू आई गेस कुछ बीच में लाइट ही चली जा रही है आई डू नो वट्स रॉन्ग एनी वेस बताए मुझे चार्स में सभी लोग अब आई परफेक्टली ऑडेबल विजिबल टू यू ये नो क्विकली इन द चैट्स परफेक्ट गाइस ऑल राइट ऑल राइट परफेक्ट चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एंड यू नो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जैसे लास्ट सेशन में हमने फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी इन सिमिलर वे आज पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक ब्रांच की क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी सारे चैप्टर्स इनऑर्गेनिक इंक्लूडेड आज के सेशन में और ये सेशन ज्यादा लंबा नहीं रहेगा बिकॉज हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इट्स ऑल थेटिकल राइट तो मोस्टली एक घंटा या वन आर फिफ्टीन मिनट्स में यह सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा सो स्टार्ट करते फिर आज का सेशन which इज द टॉप 100 questions फ्रॉम द इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राइट और जिस जिसने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया जल्दी से सेशन लाइक कर दो शेयर कर दो हर किसी के साथ जो भी नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा है एट द सेम टाइम जिस जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए डू सब्सक्राइब टू तो द चैनल एज वेल परफेक्ट तो चलिए लेट्स गेट गोइंग देन लेट्स गेट स्टार्टेड बट एक चीज मैं आपको बता दूं जो कोई क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पे देखोगे आप हर किसी क्वेश्चन का अटेम्प्ट हर किसी क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट्स में बताया करोगे बिकॉज यहां पे आपको पेन पेपर ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यू नो इट राइट यहां पे पेन पेपर यूज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज दिस इज ऑल इन ऑर्गेनिक देख के आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है और क्वेश्चन के आंसर आप मुझे टिन्यूअसली चार्ट्स में बताते जाओगे परफेक्ट आर यू गैस रेडी फॉर दैट आर यू ऑल रेडी फॉर दैट लेट मी नो इन द चैट्स क्विकली येस रेडी फॉर दैट परफेक्ट चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन योर स्क्रीन देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन ऑफ अ ग्रुप थर्टीन एलिमेंट एक ग्रुप थर्टीन एलिमेंट को है जिसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन आपको दी गई है विच इज फोर एस टू फोर पी वन द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक पीरियड फाइव प्लेस्ड डायगोनली टू एलिमेंट ई एज एज फार एज द इज कंसर्न हमारे पास एक एलिमेंट है ई ये जो एलिमेंट ई e है ये ग्रुप 13 को बिलोंग कर रहा है ये ग्रुप 13 एलिमेंट है राइट दैट मींस ये एक पी ब्लॉक एलिमेंट और इसकी आउटermost कॉन्फिगरेशन दी गई है 4s2 4p1 ये 13th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है ये एलिमेंट 13th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है राइट right? अब सबसे पहली चीज़, आप जरा यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें 4 है

टू राइट right? अब यह हमारा एलिमेंट एक्स था देखो जरा इसके डायगनली रिलेटेड कौन सा एलिमेंट है? है उसकी आउटरमोस्ट कंफिग्रेशन आ रही है फाइव एस टू फाइव पी टू यही तो हमें चेक करना था बेसिकली जो हमारा एलिमेंट एक्स है जो हमारा एलिमेंट एक्स है इसका डायगेली रिलेटेड कौन सा एलिमेंट होगा जो कि फिफ्थ पीरियड को बिलोंग कर रहा होगा जो एलिमेंट डायगनली रिलेटेड होगा उसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी 5s2, 5p2 और एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा दिख रहा है जो बता रहा है कि 5S2, 5p2 क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिला क्या करना आएगा क्विकली yes no सब एक बार बता दो बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था नहीं

बताओ जरा ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से क्विकली सभी लोग बताओ क्या होना चाहिए ऑर्डर यहां पे जल्दी से बताओ इतना टाइम नहीं लगना चाहिए देखिए आपके पास जो है उसमें फ्लोरिन आता है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये चार एलिमेंट्स दिए गए हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी का ऑर्डर बताना है राइट तो जनरली हमें पता है कि लेफ्ट से राइट मूव करने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी बढ़ती है और ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप मूव करने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए अगर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है कुछ ऐसा दिस इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए फिर क्लोरीन आना चाहिए फिर ब्रोमीन आना चाहिए और उसके बाद आयोडीन आना चाहिए यह हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है यह हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है बट क्या यह एक्चुअल ऑर्डर होता है नहीं ये जस्ट एक्सपेक्टेड है एक्चुअल ये नहीं है एक्चुअल ऑर्डर जो होगा उसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होगी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होगी रीजन बीइंग फ्लोरीन का साइज कम होता है इलेक्ट्रॉन एंसिटी ज्यादा होती है राइट right? जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के कंपैरिजन में कम चली जाती है सो दिस द एक्चुअल ऑर्डर क्लोरीन की सबसे ज्यादा फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन राइट परफेक्टली गाइस गुड जॉब सभी ने ऑप्शन सी दिया हुआ है ऑलरेडी सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चलिए क्या होगा the ionic, the ionic radius of Na positive, आपके पास एलिमेंट दिया गया एन ए पॉजिटिव इसकी आयोनिक रेडियस दी गई है वन पॉइंट जीरो टू एंगस्ट्रॉ द आयोनिक रेडियस ऑफ एम जी डाई पॉजिटिव आपके पास दो और है एक है और एल ट्राई आपको इनकी याद नहीं रखने फिर कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाए देखो ध्यान से अगर आप एन पॉजिटिव देखोगे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 10, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, राइट सॉरी इलेवन 10 लिख रहा हूं इसका इलेवन एटोमिक नंबर ये, ये right? ग्यारह तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अगर तीनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन गए बिल्कुल तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन गए अब जरा देखो इस एन पॉजिटिव में प्रोटॉन्स कितने है? जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स।

और इसका सबसे कम होना चाहिए अब जरा चूज करो ऑप्शंस देखो ऑप्शंस देखो ये 1.02 है तो ये तो 1.05 नहीं हो सकता ये 1.02 है ये कम होना चाहिए दैट मींस ये 0.72 हो सकता है और ये 0.72 से भी कम होना चाहिए दैट मींस ये 0.54 हो सकता है तो ऑप्शन बी मुझे लग रहा है जो कि यहां पे सही आंसर होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट right? क्या क्लेरेंस सबको ये सिंपल बेसिक रूल फॉलो कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जब साइज कंपेयर किया जाता है आपको बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने तो तो चूज करना था सिंपल बेसिक क्वेश्चन वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है चलिए मूव कर रहा हूं क्वेश्चन की ओर बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक इन जनरल द प्रॉपर्टी

चलिए जरा मूव कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर <coughs> फिर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आगे इनका आयोनिक रेडियो बताना है अब ये ऑर्डर आप मुझे बताओगे अभी अभी जस्ट इन द चैट्स मैं बता चुका हूं देखिए यहां पे ये पर इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ स्पीशीज है दैट हर किसी स्पीशी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है अब आपको आयोनिक रेडियस का ऑर्डर बताना है वॉट डू यू गाइस थिंक क्विकली क्विकली सभी आंसर बताने चाहिए इसमें पूरा बेसिक क्वेश्चन है पूरा एकदम बेसिक एक क्वेश्चन है कोई दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ही नहीं देखिए सिंपल सा लॉजिक है है सिंस ये सभी स्पीशीज है। हर किसी स्पीशी में यहां पे दस दस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अब प्रोटॉन्स देखो इसका एटॉमिक नंबर थर्टीन है तो तेरह इसमें बारह प्रोटॉन्स इसमें ग्यारह इसमें नौ इसमें आठ इसमें सात ये है प्रोटॉन्स अब जिसमें प्रोटॉन्स जितने ज्यादा उसका साइज उतना कम जहां पे प्रोटॉन जितने ज्यादा साइज उतना कम तो एल ट्राई का साइज सबसे कम होगा फिर तो ऑप्शन होगा, क्वेश्चन सिंपल बेसिक क्वेश्चन था एंड आई कैन सी ऑलरेडी सही आंसर दिया हुआ इस क्वेश्चन का कर रहा हूं एक और की और। इस का मुका लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं हम right? राइट एक टेस्ट मैंने लिया था उसमें हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है और ये भी सबसे होना चाहिए द एलिमेंट डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एन बताओ वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें फर्स्ट और सेकेंड ज़्यादा होता है, बताओ जरा याद करो मैंने बताया था जो एल्ली मैटल होते हैं एल्कली मेटल जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल अब जरा इनमें से कौन सा एल्कली मेटल है चलिए पोटेशियम ठीक है राइट right? पोटेशियम से पहले क्या सोडियम चले एक बार सोडियम देखते हैं बताओ, सोडियम की आउटर मोस्ट कंफिगुरेशन क्या होती है सोडियम की आउटर मोस्ट कंफिगुरेशन होती है थ्री एस वन और थ्री एस वन से पहले क्या आता है टू पी सिक्स आता है राइट right? अब पहला इलेक्ट्रॉन तो यहां से जाएगा <coughs> तो जब पहला इलेक्ट्रॉन गया तो एन ए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया अब, अब कंफिग्रेशन क्या बची टू पी सिक्स पहला इलेक्ट्रॉन तो गया परफेक्ट अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है वो कहां से निकालना है दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आपको निकालना है वो आपको कंप्लीटली फिल्ड से निकालना है ये बहुत स्टेबल है यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है तो ज्यादा एनर्जी आप सप्लाई करनी होगी तो फर्स्ट एनर्जी और सेकेंड आयोनेशन एनर्जी के बीच का जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा होगा किन की बात कर रहा हूं मैं मैं पर्टिकुलरली मेटल्स की बात कर रहा हूं अब डिफरेंट एलिमेंट्स यहां पर देखें यहां पर एक ही एल्कली मेटल दिया गया है तो ऑप्शन डी हैज टू बी द वन विच इज सपोज टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट क्लियर ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ जाना चाहिए करना चलिए फिर से आयोनिक रेडियस पे क्वेश्चन है ये भी damn sure आप कर सकते हो अब एन ट्राइनेगेटिव एफेटिव फिर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है देखो यहां पे एटॉमिक नंबर सेवन सात प्रोटॉन्स आठ प्रोटॉन्स जितने प्रोटॉन्स ज्यादा उतना साइज कम जितने प्रोटॉन्स ज्यादा उतना साइज कम तो एफ नेगेटिव का साइज सबसे कम होगा उसके बाद आ जाएगा ओडाई नेगेटिव फिर क्या आना है एन ट्राई नेगेटिव, राइट क्या क्लियर <coughs> क्या क्लियर सबको ये परफेक्ट तो यहां पे जो भी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखेगा जो भी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखेगा दैट इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज एन ट्राई नेगेटिव का साइज सबसे ज्यादा है और ये मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है ऑप्शन सी ऑप्शन सी हैज़ टू बी वन व्हिच इज सपोज बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई होप ये क्लियर सबको चलिए यह क्वेश्चन जरूर इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें? representing रिप्रेजेंटिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनेशन पोटेंशियल फर्स्ट आयोनेशन पोटेंशियल का ऑर्डर देना है बताओ कौन सा कहां पे सही ऑर्डर है देखो ऑन मोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनेशन एनर्जी जनरली कम हो जाती है लेफ्ट से राइट right मूव करते हैं तो आयोनेशन एनर्जी जनरली बढ़ती है इतना सबको पता होना चाहिए अब लिथियम लिथियम सोडियम सोडियम ये 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 था है lithium, ये है, sodium, है तो और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एनर्जी कम होनी चाहिए तो पोटेशियम की आयोनेशन एनर्जी तीनों में से कम होनी चाहिए बट यहां पर ज्यादा दिखा रहा है तो ये तो नहीं होगा राइट right? परफेक्ट अब ये ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स है पहले कौन सा आता है बेरिलियम फिर कौन सा मिलेगा आपको मैग्नीशियम मिलेगा फिर कैल्शियम मिलेगा

एवरी वन ऑफ यू एवरी बताए क्विकली बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से क्विकली द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एमजी जब भी हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं किसी आयन की हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस किस पे करती है हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोजल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन जितनी आयन पे चार्ज ज्यादा होगी उतनी उस आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी और साइज़ ऑफ द आयन पे भी डिपेंड करता है जिस आयन का साइज जितना कम वो ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो चार्ज ज्यादा हाइड्रेट हो जाएगा राइट परफेक्ट अब एनए पॉजिटिव देखो चेक करो एनए पॉजिटिव चार्ज कम है एज कंपेयर टू एमजीटिव राइट तो एमजी डाई पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी इस एन ए पॉजिटिव से डेफिनेटली ज्यादा होगी राइट परफेक्ट राइट फिर यहां पे साइज वाला लगाओगे ये तो कौन से लगाओगे है ही परफेक्ट क्लियर सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आई एम श्योर आप सबने ऑलरेडी किया भी होगा चलिए बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से सॉरी वट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनेशन पोटेंशियल सेकेंड आयोनेशन पोटेंशियल का ऑर्डर पूछा गया है बताओ जरा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से सेकेंड फर्स्ट नहीं सेकेंड राइट एलिमेंट चेक करो एलिमेंट चेक करो आपके पास दिया गया कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और fluorine. आपको सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर देखना है दैट आप एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हो तो ये सी पॉजिटिव बन चुका है ये एन पॉजिटिव बन चुका है ओ पॉजिटिव बन चुका है एफ पॉजिटिव बन चुका है अब इन स्पीशीज से आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है अब जहां पे बाहर निकालना होगा आई I मीन mean, हर जगह पे बाहर निकालना है कहां पे एनर्जी ज्यादा लगेगी

मोस्ट हाफ फिल्ड नहीं बन रही होगी सिर्फ o positive ऐसा है जिसकी outermost configuration half है, right? और half configuration stable है और तो यहां से electron निकालने के लिए ज़्यादा होगी तो definitely oxygen का ionization potential बाकी हर किसी ऑप्शन बी होगा तो तो या तो option A हो या तो होगा तो होगा तो हो अब बाकी आप देखिए कार्बन का होता है टू एस टू टू पी टू एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो टू पी वन आउटरमोस्ट कंफिगुरेशन टू पी वन कंफिगुरेशन एन पॉजिटिव इसका होता था टू पी थ्री एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो अब इसका टू पी टू ही बचा है तो इसके आउटर मोस्ट मोस्टिग्रेशन अभी है टू पी टू राइट फ्लोरिंग आउटर मोस्ट होता है टू पी फाइव एक बाहर गया अब होगा टू पी फोर अब होगा टू पी फोर वन टू थ्री एंड फोर राइट इसका तो ऑलरेडी मैक्सिमम आ चुका है

तो इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जाएगी एफ को दी जाएगी सेकंड right? से इलेक्ट्रॉन निकालना अब डिफिकल्ट होगा due to effective nuclear charge, right? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन के बाद fluorine आएगा, fluorine के बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाद कार्बन आई होप दिस क्वेश्चन जब भी इस टेप का क्वेश्चन <coughs> कुछ स्पीशीज दिए गए इनको आपने अटैच करना है किसके साथ हाइब्रिडाइजेशन के साथ, साथ. देखिए कैसे चेक किया जाता है एक मॉलिक्यूल में दिखा रहा हूं बाकी आपसे होना चाहिए देखो अगर आप एस एफ फोर की बात करोगे एस एफ फोर राइट यहां पे सल्फर आपका सेंट्रल एटम है और इस सेंट्रल एटम के पास सल्फर के पास छह वालेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बिकॉज सल्फर ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है अब देखो सल्फर कितने एटम्स के साथ जुड़ा है चार एटम्स के साथ जितने एटम्स के साथ सल्फर जुड़ा होगा उतने सिग्मा बॉन्ड बने होंगे तो चार सिग्मा बॉन्ड बने होंगे सल्फर के पास छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे छह में से चार यूज कर लिए चार सिग्मा बनाने के लिए तो दो अब भी बचे होंगे सल्फर के पास इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर तो सल्फर के पास एक लोन पेयर है तो सिंस अपने सिग्मा निकाल लिए लोन पेयर निकाल लिए अब इसके बाद निकाला करो स्टेरिक नंबर स्टेरिक नंबर होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर फोर प्लस वन हो गया फाइव अगर स्टेरिक नंबर फाइव आ गया तो इसके हाइब्रिडेशन क्या आ गई एसपी थ्री डी होंगे तो दो बचे होंगे इन दम ऑफ ए लोन पर तो पांच सिग्मा एक लोन पर फाइव प्लस वन हो गया सिक्स फाइव प्लस वन हो गया सिक्स तो एसपी थ्री डी टू आ जाएगा राइट एसपी थ्री डी टू आ जाएगा क्या सिमिलर बाकी भी देखना आ जाएगा ऑफकोर्स

Among the following species, that द डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल बताओ इनमें से डायमैग्नेटिक सा होगा एक सिंपल सी चीज याद रख लो आज के बाद जब भी आपको कोई 14 इलेक्ट्रॉन स्पेशी मिलेगा 14 इलेक्ट्रॉन स्पेशी लाइक एन टू एन टू फोर्टीन इलेक्ट्रॉन पेशी है एक नाइट्रोजन में सात दो नाइट्रोजन में चौदह इलेक्ट्रॉन राइट सिमिलरली कार्बन मोनोक्साइड कार्बन के पास छह ऑक्सीजन के पास आठ तो यह भी 14 इलेक्ट्रॉन पेशी है

जो पंद्रह इलेक्ट्रॉन पीसी वाला होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर राइट 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशी का इलेक्ट्रॉन पीसी का बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट फाइव से घट गया होगा 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशी का order, ये 2 होगा 11 इलेक्ट्रॉन स्पीशी का बॉन्ड ऑर्डर होगा 10 इलेक्ट्रॉन पीसी का बॉन्ड ऑर्डर वन होगा राइट एट द सेम टाइम एक और चीज याद रखें

तो एक ही अनपेड बचा होगा एक पेयर हो गया होगा तो ये भी पैरा ही होगा ये भी पैरा ही होगा सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन स्पेशी इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन भी पेयर हो गया होगा इसमें उल्टा मैंने बता दिया आपको जस्ट अ सेकेंड सिक्सटी इलेक्ट्रॉन स्पीशी जो है इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है सॉरी इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है तो यह पैरा मैग्नेटिकामैग्नेटिक है लाइक

सिंपल बेसिक क्वेश्चन है आप इवन ऑर्बिटल थे आप सबने पढ़ी होगी आप ऑर्बिटल भी लिख सकते हो राइट सिंस टोटल इलेक्ट्रॉन फोर्टीन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो इन मोलिकुलर ऑर्बिटल और चेक करो क्या जो कन्फिग्रेशन बन रही है इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन तो नहीं बच रहा है अब चेक करो यहां पे हर किसी ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं कोई अनपेड मोलिक्यूर ऑर्बिटल है नहीं अगर अनपेड मॉलिकुलर ऑर्बिटल है ही नहीं स ये डायमैग्नेटिक होगा राइट यहां पर चेक करो ये एक अनपेड ये दूसरा अनपेड इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है राइट तो ये पैरामैग्नेटिक होगा इसमें देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक होगा इसमें चेक करो इसमें एक दो दो अनपेड है ये भी पैरामैग्नेटिक होगा परफेक्ट और अगर आपको एन स्पीशीज का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना होता है आप ये वाली नंबर नहीं है ये N यहाँ पे एक मैं दिखा रहा हूं एक मैं दिखा रहा हूं लेट से बी टू का मैग्नेटिक मोमेंट मुझे चाहिए पहले मैंने इसकी मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन लिखी फिर मुझे चेक करना है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है एक और दो अनपेड दो इलेक्ट्रॉन्स है तो एन की वैल्यू बी टू के लिए टू आ गई बी टू के लिए एन की वैल्यू टू आ गई अब एन की वाली टू रखे अंडर रूट ऑफ टू मल्टीप्लाइड टू तो टू प्लस टू फोर फोर टू जर एट रूट ऑफ एट बोर मैग्नेट्रॉन्स आ जाएगा तो right? तो क्वेश्चन आपसे होना चाहिए क्वेश्चन चलिए मूव कर रहा हूं देखिए जरा एक और क्वेश्चन द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज एल आई टू एल आई टू नेगेटिव एल आई टू पॉजिटिव इंक्रीजेस इन ऑर्डर ऑफ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से बताए क्विकली क्विकली एवरी वन बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताए यू शुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल तीन स्पीशीज दिए गए पहले तीनों की मॉलिकल ऑर्बिटल कंफिग्रेशन लिखे फिर तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपको सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ता है राइट बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग डिवाइड जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और उतनी उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी दैट मीन उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी आप यह ऑर्डर याद रख सकते हो राइट right? अब क्या लग रहा है आपको तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया

जब भी आपके पास दो स्पीशीज ऐसे होंगे जिनमें बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा उनमें आप नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाला करोगे राइट right? जब भी दो स्पीशीज ऐसे होंगे जिनमें बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा इनमें आप नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कैलकुलेट किया करोगे जितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम जितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम अब एल आई टू पॉजिटिव देखो और एल आई टू नेगेटिव देखो दोनों में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनो आप देखो यहां पर दो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है

कि फ्लोरीन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू कार्बन और क्लोरीन एज कंपेयर टू कार्बन ब्रोमीन तो यहां पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होना चाहिए और यहां पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होना चाहिए राइट सिमिलरली यहां भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा बट मैग्नीट्यूड कम होगा यहां भी नेगेटिव पॉजिटिव तो होगा बट मैग्नीट्यूड कम होगा यहां भी नेगेटिव पॉजिटिव तो होगा बट मैग्नीट्यूड कम होगा परफेक्ट बट एक ही फैक्टर नहीं देखना होता है ये स्पेशल केस है यहां पे डिस्टेंस पे भी यहां पे डिस्टेंस भी एक वाइटल रोल प्ले करती है सी और एफ के बीच में डिस्टेंस जितनी होगी उससे ज्यादा डिस्टेंस सी और सीएल के बीच में होगी उससे ज्यादा डिस्टेंस सी और सीएल के बीच में होगी परफेक्ट तो यह एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें चार्ज एज वेल एज डिस्टेंस दोनों को जो कंपेयर किया जाता है तो डिस्टेंस प्लेज अ रोल है

इस पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा यहां पे कहीं डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा सिमिलरली यहां पे डेल्टा पॉजिटिव यहां पे डेल्टा नेगेटिव डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव ली जाती है तो ये होगी ऊपर वाले डायपोल की डायरेक्शन राइट नीचे वाले डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो पॉजिटिव से नेगेटिव ये यह होगी यहां की डायरेक्शन क्या दोनों इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो के बराबर होगा खत्म क्वेश्चन ठीक है अब नेक्स्ट चेक करो ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव परफेक्ट बिकॉज CH3 लगा हुआ है

बी एफ थ्री देखो बी एफ थ्री अगर आप बी एफ थ्री की बात करोगे बोरॉन पे कोई लोन पेयर नहीं होता है कोई लोन पेयर नहीं है मतलब इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर है इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर है रेगुलर ज्योमेट्री बिकॉज सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है और सारे टर्नल एटम्स भी सेम है सारे टर्नल एटम्स भी सेम है और आई होप आपको पता होगा जब ज्योमेट्री रेगुलर होती है सेंट्रल एटम पर पे लोन पेयर नहीं होता है और सारे टर्मल आइटम सेम होता है उस मॉलिक्यूल का नेट डेपोलमेंट जीरो लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल बी एफ थ्री इनमें से आपके पास C, Cl4 है C, Cl4 है कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है ज्योमेट्री रेगुलर है राइट ज्योमेट्री रेग्यूलर है सारे टर्मल आइटम सेम भी है तो इसका नेट डेपलमेंट भी क्या होगा जीरो होगा परफेक्ट राइट right. तो एक ही मॉलिक्यूल मुझे यहां पर दिख रहा है बी एफ थ्री परफेक्ट जिसमें एक तो रेगुलर ज्योमेट्री भी है टर्म टर्म सेम भी है तो नेट डायपोलमेंट रेक्ली क्या लिखोगे जीरो अगर देखना भी होगा तो ये बी है पॉजिटिव तो डायपोलमेंट की डायरेक्शन ये होगी सिमिलरली यहां पर ऐसे होगी सिमिलरली यहां पर ऐसे होगी तो तीन वैक्टर से विचार एट एंगल ऑफ वन ट्वेंटी तो नेट डायपोलमेंट यहां पे क्या होना है जीरो बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए क्विकली सभी लोग बताओ जल्दी से सबसे होना चाहिए ये क्वेश्चन श्रेय सी एल केस में क्लोरीन के पास लोन पर बचेगा राइट right? तभी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से क्विकली क्विकली एवरी वन वॉट यू थिंक अकॉर्डिंग टू एमओटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक करेक्टर एंड बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट फॉर ओ टू पॉजिटिव

च ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ वायबल मॉलिक्यूल मतलब कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है इनमें से जिसका बॉन्ड ऑर्डर लेस ऑर इक्वल टू जीरो आ सकता है बताओ जरा कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो या जीरो से कम आ सकता है जो बनेगा ही नहीं नॉन वायबल होगा बताओ अगर आप एच टू डायनेगेटिव की बात करोगे बताओ जरा मुझे एक चीज एच टू डाइ नेगेटिव में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तो दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन डाई नेगेटिव भी है तो टोटल इसमें चार इलेक्ट्रॉन है कर लो चार इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट ऑर्बिटल्स में तो आ जाएगा सिग्मा वन एस टू या जाएगा सिग्मा स्टार वन एस टू हो गए चार इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट बॉन्डिंग कितने दिख रहे हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो दिख रहे हैं एंटी बॉन्डिंग कितने दो तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई टू तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है जीरो और जब भी बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाएगा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नॉन वायबल होगा राइट मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विच ऑफ द फॉलोइंगलम सेंट्रल एटम पे कहा पे सबसे होना चाहिए इजिली वो भी सेंट्रल एटम पे कहा होने चाहिए जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ क्विकली क्विकली एवरी वन एवरी वन क्विकली

कितने टर्मल है? दो तो दो सिग्मा बॉन्ड आठ में से दो यूज कर रहा है तो बचे कितने के आटम, जो यहां पे आयोडीन, आटम उसके पास सबसे ज्यादा होंगे इस सल्फर में चेक करोगे एक लोन पेयर होगा इस क्लोरिन में चेक करोगे एक लोन पेयर होगा राइट तो आपको मैक्सिमम लोन पेयर देख लेते हैं खत्म क्वेश्चन चलिए जरा बताए क्रोमियम की कंफिग्रेशन क्रोमियम क्रोमियम और कॉपर ये तो सबको पता ही होगा राइट ये क्वेश्चन भी है क्रोमियम की आउटर आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन थ्री डी फाइव फोरस वन होती है, इसकी होती है 10, 4S1. ये दो याद रख लेना बस राइट right? और रीजन आपको पता है बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है जिसकी वजह से यहां पर हाफ फिल्ड कंफिग्रेशन बन जाती है सिमिट्री आ जाती है कन्फिग्रेशन में ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है राइट right? बहुत सारे रीजन है तो क्या होगा इसका आंसर थ्री डी फाइव फोर एस वन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है थ्री डी फाइव फोर एस वन ये ऑप्शन दिख रहा है थ्री डी फाइव एस वन तो ये होगा राइट थ्री डी फाइव फोर एस वन दिख रहा है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है क्या अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू अब अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू की वैल्यू टू पॉइंट एट फोर बोर मैग्नेट्रॉन आनी चाहिए कब पॉसिबल है अगर आप एन की वैल्यू टू रखोगे तो टू इंटू टू प्लस टू हो गया टू टू फोर टू प्लस टू फोर फोर टूर एट रूट ऑफ एट रूट ऑफ एट हो गया जब एन की वैल्यू कितनी होगी टू ये एन क्या होता है क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं एन यहां पर क्या होता है एन यहां पर होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अब देखो किस स्पीशी में अनपेड इलेक्ट्रॉन दो ही है जिस स्पीशी में अनपेड इलेक्ट्रॉन दो होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट एग्जैक्टली टू पॉइंट एट फोर होगा बताओ कौन सा ऐसा है बताओ कौन सा ऐसा है निकल डाई पॉजिटिव सभी लोग बोल रहे हैं, हैं चलिए मैं भी चेक करता सभी लोग बोल रहे निकल तो होगा आयरन को बाल्ट निकल तो थ्री डी एट फोर एस टू यही कंफिग्रेशन होगी बट निकल डाई पॉजिटिव है तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो तो फोर एस से बाहर गए अब बची क्या थ्री डी एट कंफिगुरेशन बची आपके पास थ्री डी एट ये हो गया एक दो तीन चार पांच छ सात आठ थ्री डी एट कन्फिगुरेशन देखो जरा इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो निकल डाई पॉजिटिव का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा एग्जैक्टली खत्म क्वेश्चन चलिए मूव करें एक और क्वेश्चन की ओर सिंपल बेसिक क्वेश्चन है और ये भी आज क्वेश्चन है ज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी अरेज करना कौन सा रूल एन प्लस एल रूल जहां प्लस एल की वैल्यू जितनी ज्यादा उस ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ज्यादा अगर बाई चांस दो ऑर्बिटल का एन प्लस एल वैल्यू सेम आ गया वहां पर डिसाइड कौन करेगा एन डिसाइड करेगा जितना एन ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा खत्म राइट right? और याद करो एस सब्शल के लिए एल कितना होता है जीरो पी सब्शल के लिए एल कितना होता है वन डी लिए एल कितना होता है थ्री एस के लिए एन प्लस कितना फोर यहां पर एन प्लस कितना फोर यहां पर फाइव इंक्रीजिंग ऑर्डर की डिक्रीजिंग इनक्रीजिंग थ्री एस की एनर्जी सबसे कम थ्री एस की एनर्जी सबसे कम होगी राइट right? सबसे कम अब 4s और 3p में कौन सा आना है 3p आना है 3p के बाद कौन सा आना है 4s आना है लास्ट में क्या आ जाएगा 3d आ जाएगा रीजन इन दोनों का n प्लस एल तो सेम है अब n डिसाइड करेगा जहां पे n कम एनर्जी कम तो इसलिए 3p की एनर्जी 4s से कम थी <coughs> तो ऑप्शंस आप ढूंढ सकते हो अब चलिए स्कैंडियम के बारे में होता है मुझे स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है रीजन क्या है स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसकी आउटर मोस्ट कंफिग्रेशन थ्री डी वन है इसके आउटर मोस्ट कंफिग्रेशन कितनी है थ्री डी टेन फोर एस टू यह जिंक है और यह स्कैंडियम है दोनों के आउटर मोस्ट मैंने लिख ली बताओ स्कैंडियम क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट है और जिंक नहीं है बताओ जरा क्या होना चाहिए लॉजिक क्या है क्विकली सभी लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं एक बार मैं चेक कर लेता हूं ऑप्शन सी इन केस ऑफ स्कैंडियम थ्री डी ऑर्बिटल फिल्ड बट इन जिंक ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल स्कैंडियम में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल राइट परफेक्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है यहां पे कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है और कंप्लीटली फिल्ड वाला ट्रांजिशन नहीं होता परफेक्ट सिंपल सा लॉजिक बताए जरा इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए पूरा एनसीआरटी से लिए गए क्वेश्चन है अब मुझे ज्यादा पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है ये सारे आपको याद होने चाहिए और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप थोड़े फैक्चुअल बेस्ड होंगे बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए आंसर इसका क्विकली एवरी वन द केटालिटिक एक्टिविटी ऑफ अ ट्रांजिशन मैटल एंड देर कंपाउंड इज एस्क्राइब्ड मेनली ड्यू टू ट्रांजिशन मेटल्स की कैटालिटिक एक्टिविटी मेनली किस वजह से होती है मेनली किस वजह से होती है बताओ जल्दी से मेनली किस वजह से होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करने की टेंडेंसी रखते हैं सिंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करने की टेंडेंसी रखते हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से ये कैटालिटिक एक्टिविटीज दिखाते हैं तो ऑप्शन सी होगा विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल राइट परफेक्ट सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है और एनसीआरटी में दिया भी गया है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जरा बताओ सोच समझ के बताना थैंक यू थैंक यू मैथमेटिकली इंक्लाइंड अब सेशन पे फोकस करो अब स्पैम मत करो ज्यादा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ये सोच समझ के बताना थोड़ा कुछ एलिमेंट्स दिए गए आपको इनकी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी चेक करनी है मैग्नीज दिया गया है चले मैग्नीज से ही पहले स्टार्ट करते हैं इसके बाद आयरन दिया गया है मैग्नीज़ आयरन अच्छा क्रोमियम भी है और कोबाल्ट भी है बताओ मैग्नीज़ की आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन क्या होती है थ्री डी फाइव फोर एस टू आयरन की आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन कितनी होती है थ्री डी सिक्स थ्री डी सिक्स फोर एस टू क्रोमियम की आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन बताओ 3d5 4s1 आयरन कोबाल्ट 3d7 4s2 राइट right? अब आपको लेकिन डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है अगर मैं यहां पे डाई पॉजिटिव लिखूं हर जगह डाई पॉजिटिव लिखूं दैट मींस दो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो 4s0 बन जाएगा हर जगह राइट बट क्रोमियम डाई पॉजिटिव में 3d4 बनेगा बिकॉज़ इसके 4s में एक इलेक्ट्रॉन था राइट right? अब मुझे बताओ जरा थ्री डी फाइव कंफिगुरेशन थ्री डी फाइव कन्फिगुरेशन थ्री डी फाइव कन्फिग्रेशन मतलब अगर थ्री डी फाइव हाफ फिल्ड कन्फिगुरेशन बन रही है तो स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा इसी की होगी तो मैग्नीस डाई पॉजिटिव में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा राइट right? बिकॉज इसमें एग्जैक्टली exactly क्या आ रही है इसमें एग्जैक्टली exactly क्या आ रही है हाफ फिल्ड कंफिगुरेशन राइट तो मैग्नीज़ सबसे ज्यादा आ जाएगा तो ऑप्शन ए ही होगा बाकी आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज़ किसका सबसे ज्यादा होगा देखिए सिंपल सा लॉजिक क्रोमियम की बात करो आप क्रोमियम की आउटरमोस्ट कंफिग्रेशन थ्री डी फाइव फोर एस वन जब इसका फर्स्ट आयोन पोटेंशियल डिफाइन करना होगा तो आपको ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है जब आपको इसका सेकेंड आयोनेशन पोटेंशियल डिफाइन करना है तो आपको इस कंफिगुरेशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है और ये तो हाफ हाफ फिल्ड फिल्ड है से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी के रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो डेफिनेटली क्रोमियम इनमें से क्रोमियम ऐसा होगा जिसकी सेकेंड आयोनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है पहले ही ऑप्शन को देख के हमें आंसर मिल गया खत्म डस्टेड राइट Which of the following आइन is most stable? कहां पे most stable in aqueous solution? बताओ इन आइन्स में से aqueous solution में सबसे ज्यादा stable कौन सा है Aqueous solution में इन आइन्स में से कौन सा सबसे ज्यादा stable होगा क्या लग रहा है आपको Quickly, quickly ये question भी पता होना चाहिए क्या सीआर ट्राई पॉजिटिव है क्यों क्रोम की आउटर मोस्ट कंफिग्रेशन एक बार लिखो थ्री डी फाइव फोर एस वन अब क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव की आउटर मोस्ट कंफिग्रेशन लिखो थ्री डी थ्री फोर इज जीरो इलेक्ट्रॉन है राइट और हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड कंफिगुरेशन बन जाती है टी टू जी की जिसकी वजह से सी आर की में सबसे ज्यादा होगी इन आइनस के कंपेरिजन में बिकॉज इस वाले केस में टी टू जी थ्री कंफिग्रेशन बन रही है t2g3 कॉन्फ़िगरेशन बन रही है जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है परफेक्ट चलिए जरा मूव कर देखो क्वेश्चन की ओर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ आर बोथ द आयंस कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन चलिए इनमें से बताओ कहां पे कौन से दोनों पेयर्स कलर्ड होंगे कलर्ड वो होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे राइट right? KMnO4 और K2Cr2O7 को छोड़ के

टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव स्कैंडियम टाइटेनियम इसकी कंफिग्रेशन होती है 3d2 4s2 राइट right? तो तीन बाहर निकाल लो तो 3d1 बन जाएगा इसमें एक अनपेड तो बच रहा है तो दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं तो दोनों में कलर हो सकता है कलर होगा मतलब चलिए इस टाइप की क्वेश्चंस पे जरा ज्यादा नजर रख लेना और मुझे इसका आंसर चाहिए बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा मैचिंग मैचिंग है कॉलम वन और कॉलम टू को मैच करना है क्विकली इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में क्या <coughs> लग रहा है सभी लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं ऑप्शन बी इज दैट ऑप्शन बी होगा चलिए अगर आप बोल ही रहे हो तो ऑप्शन बी ही होगा ठीक है तो ये कंप्लीट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो याद रखना वी टू ओ फाइव फॉर द ऑक्सीडेशन इट्स प्लस ए एल सी एच थ्री थ्राइस ये पॉल्यूमराइजेशन ऑफ इथाइन के काम आ जाएगा राइट पी डी सी एल टू ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनल के काम आ जाएगा राइट और निकल कॉम्प्लेक्सेस खत्म पॉलिमराइन ऑफ एल्काइन्स परफेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली ये भी याद रख लेना चलिए डायरेक्टली एनसीआर बेस्ड क्वेश्चन एक लाइन से क्वेश्चन उठाया है एक लाइन से क्वेश्चन उठाया है जल्दी से पूरा एनसीआरटी ओरिएंटेड है बताओ नेम द गैस दैट कैन डी कलराइज एसिडिफाइड केमोफोर सोल्यूशन कौन सी गैस एसिडिफाइड केमोफोर सोल्यूशन को डी कलराइज कर सकती है वो भी इजिली एनसीआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है सभी को पता होना चाहिए सभी ने आंसर दे भी दिया है, It's SO2, absolutely right. It's SO2, absolutely right. SO2, के साथ रिएक्शन करके एक तो H2SO4 बनाएगा, MSO4 बनाएगा, K2SO4 बनाएगा। इसका बेसिकली पर्पल कलर होता है राइट right? बट जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है पोटासम पर मैग्नेट के साथ दूशन डी कलर सोल्यूशन डी हो जाता है राइट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यह याद रख लेना ये भी इंपॉर्टेंट है और आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता भी होगा बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए क्विकली एवरी क्वेश्चन है ये भी पढ़ा होगा डीएनए ब्लॉक में वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वेन एसओ टू इज पास थ्रू एसरिफाइड के टू सीआर जब आप एसओ टू को पास करते हो एसरिफाइड के टू सीआर सोल्यूशन के थ्रू क्या बनता है वहां पर यह तो पता होना चाहिए यार अभी पढ़ा होगा आपने dna ब्लॉक में अभी बड़ा होगा क्या बनता है वहां पे वहां पे क्रोमियम सल्फेट बनता है राइट ग्रीन क्रोमियम सल्फेट बनेगा वहां पे k2cr2o7 जब एसिडिफाइड आई मीन k2cr2o7 को जब पास किया जाएगा so2 से राइट कौन से मीडियम में एसिडिक मीडियम में एक तो k2so4 बनता है ग्रीन कलर सब्सटेंस बनता है क्रोमियम सल्फेट याद रखना इसका कलर भी याद रखना और साथ में वाटर तो होता ही है परफेक्ट के टू सी आर टू करता क्या एक ऑक्सर एजेंट right? well है राइट एज वेल एज के चलिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली टेकिन फ्रॉम एनसीआर होना चाहिए बताओ, जब copper is heated with concentrated HNO3, copper को जब को के थ्रू पास किया जाता है राइट right? कॉपर को जब हीटअप किया जाता है किसके साथ एच थ्री के साथ क्या क्या बनाता है ये बताओ ये भी एनसीआरटी का क्विकली एवरी वन सबको पता होना चाहिए यार ये ये सबको पता होना चाहिए क्या बोल रहे हो आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हो नहीं ऑप्शन बी तो मेरे हिसाब से नहीं होगा मेजोरिटी ने अब आंसर दे ही दिया है A, है गोइंग टू बी ऑप्शन ऑप्शन ए ए ठीक तो A, जो लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं किस किस की तरह कॉपर सिल्वर की तरह दे रिएक्ट करते हैं फॉर्म नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन से जो लेस्ट जो लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं की तरह कॉपर सिल्वर की तरह ठीक है लेस एक्टिव मेटल्स जो कॉपर सिल्वर जैसे होते हैं ये रिएक्ट करते कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ और नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं पूरा एनसीईआरटी इक्वेशन जो आप आज के बाद याद रखोगे ये इक्वेशन शायद मैंने कल भी आपको दिखाया था कल के परसों किसी सेशन में दिखाया था मैंने आपको ये इक्वेशन और ये याद होना चाहिए आपको द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर जल्दी से बताओ आपके चैट्स की ओर ही देख रहा हूं मैं क्विकली एवरीवन द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर बताओ कौन सा लेट मी सी कितना याद रखते हो आप लोग दिखाया हुआ है मैंने एक दो दिन पहले ये क्वेश्चन दिखाया मैंने एक दो दिन पहले ये क्वेश्चन दिखाया मैंने देखो यहां पे आयरन +2 स्टेट में और यहां पे टिन +2 स्टेट में

दोनों रेड्यूसिंग एजेंट दे कैन एक्सिस्ट टूगेदर राइट क्लियर चलिए इन एसिडिक मीडियम एच टू ओ टू चेंजेस सी आर टू ओ सेवन डाई निगेटिव टू सी आर ओ फाइव विच हैजू परसाइड बॉन्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन सी आर ओ फाइव यार ये किसको पता नहीं होगा सीआरओ फाइव स्ट्रक्चर कैसा होता है बटरफ्लाई टाइप बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर होता है कलर क्या होता है इसका कलर क्या होता है इसका इट इज डीप ब्लू इन कलर अब फाइव का स्ट्रक्चर आई एम सबको पता होगा चेक करो क्या होगी सोच समझ के बताना यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो दोनों बॉन्ड पर ऑक्सीजन की ओर जिसकी वजह से यहां पे माइनस टू और यहां पे प्लस टू

ये तो पता ही होगा MnO4 एन या सीधे लिखो के ये H2O2 को एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट करेगा O2 में और खुद किसमें कन्वर्ट होता है Mn डाई पॉजिटिव में और साथ में क्या लिखते हो आप साथ में वाटर लिखते हो ये रिएक्शन तो बड़ी होगी ये रिएक्शन बड़ी होगी सिमिलर डायनेगेटिव एस Sn डाई पॉजिटिव किस में भेजता है Sn+4 में भेजता है अगर याद नहीं होगा तो याद कर लो ऑक्सीट आयन को आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में भेजता है I को convert करता है, में. H2S को को करता 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 में 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 है 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 ठीक बचा कौन सा इसमें Fe Fe और ये सारी होती है में होती है राइट आंसर आपने निकाल लिया होगा अब क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर अब एम डाई पॉजिटिव साथ में क्या मिलेगा ओ टू परफेक्ट

समीर बोल रहा है आयो थ्री नेगेटिव आयो थ्री नेगेटिव न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम स्लाइटली आयोडाइड को आयोडेट आयो में कन्वर्ट कर देता है राइट ये सारी रिएक्शन जो मैंने अभी दिखाई ये एसिडिक मीडियम वाली थी बताओ इनमें से किसको आप बोलोगे जर्मन सिल्वर क्विकली पता होना चाहिए भी मेमोरी बेस्ड है पूरा कॉपर जिंक और निकल जो होता है राइट इट्स एन अलॉय ऑफ वॉट आई मीन जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल ये भी टी में दिया गया बाय द वे ये कॉम्पोजिशन इनकी थोड़ी याद रख लेना ठीक है इसमें जर्मन सिल्वर कॉम्पोजिशन होती है इसमें कॉपर की कॉम्पोजिशन होती है जिंक होता है ट्वेंटी तो मोस्ट अबंडेंट इसमें कौन सा होता है कॉपर मोस्ट अबंडेंट कौन सा होता है कॉपर फिर जिंक फिर निकल ये याद रख लेना कॉम्पोजिशन आ सकता है इसमें भी क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइन विद एफी टू फॉर्म अम्प्लेक्स बताओ

और ये ब्राउन रिंग टेस्ट की ही रिएक्शन है जो आप याद रखोगे इस रिएक्शन से भी कुछ भी पूछा जा सकता ये है।, air, है? ये sure, right? FeCR2O4, है ये इंपॉर्टेंट चलिए ऑन हीटिंग क्रोमाइट विद एन ए टू सीओ थ्री एयर विच ऑफ दोडक्ट इज ऑब्टेन्ड कौन सा प्रोडक्ट बनता है एन ए टू सी आर ओ फोर बनेगा ये रिएक्शन भी आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी राइट एफ ई सीआर टू ओ फोर जब एन ए टू सीओ थ्री के साथ रिएक्शन दिखाएगा यहां पर एनए टू सी आर ओ फोर बनता है

डिजोल्विंग सी आर ओ थ्री अच्छा सी आर ओ थ्री डिजोल्व इन एक्व एनए गिवट यह तो सेम ही क्वेश्चन था इससे पहले भी यही था ना ही सीआर होता है एक्व एनए में और क्या बनाता है सीआरओ फोर डायनेगेटिव बनाता है दिस इज अगेन मेमोरी बेस्ड और इसके लिए पर्टिकुलर रिएक्शन है आप ये याद रखोगे बाई दीडीएफ आज के की मिल जाएगी आपको टेलीग्राम में आप वहां से

यहां चॉकलेट प्रिस्पलेट बनता है यहां पर चॉकलेट प्रिस्पलेट बनता है राइट ब्लू कलर नहीं बनेगा ब्लू कलरेशन नहीं होगी यहां चॉकलेट प्रेसिपिटेट बनता है ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है याद रखनी है आपने रीजन ऑफ लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाला सवाल है बताओ जल्दी से सभी बॉक्स में एक बार आंसर बता दो इस क्वेश्चन का एटलीस्ट एटलीस्ट इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी बताने चाहिए एवरी वन सभी बताओ यार इसमें वेट नहीं करना इतना इसका रीजन क्या है इसका लॉजिक क्या है लेंथनाइड कॉन्ट्रेक्शन का रीजन क्या है नेग्लेजिबल स्क्रीनिंग ऑफ एफ ऑर्बिडल की वजह से लेंथनाइट कॉन्ट्रेक्शन होती है द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सरेशन स्टेट इन एक्टेनॉइड इज एट्रीब्यूटेड टू इज एट्रीब्यूटेड टू एक्टनॉइड कॉन्ट्रेक्शन फाइव एफ सिक्स डी एंड सेवन एस ऑप्शन बी सही है, सही है. है नहीं? का जो ग्रेटर रेंज है वो किस वजह से है बिकॉज ये जो फाइव एफ सिक्स डी और सेवन एस लेवल्स है इनकी एनर्जीज कंपेरेबल है ज्यादा डिफरेंस नहीं अच्छा चलिए इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं राइट तो प्लीज एंड प्लीज एनसीआर पेज पे, पे दिए गए ओके और वो पेज आप एक बार देख लेना इससे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये जो है इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है गेडोलिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और गेडोलिनियम की कंफिग्रेशन एक्सेप्शनल होती है दैट इज फोर एफ सेवन फाइव डी वन सिक्स एस टू

हाँ, यही मैं बता रहा था गेडोलिनियम देखो नीट 2015 में भी इस पे क्वेश्चन आया है 2013 में भी 1997 में, तो में रिपीट क्वेश्चन है है की outermost configuration, क्या होती है? 4F7, 5D1, 6S2. अभी बताया मैंने आपको चलिए के पास क्या होता है ऑल आर सिंथेटिक एलिमेंट नई इनक्लूड एक सौ चार एलिमेंट वैलेंसी एब्सोल्युटली तो क्या ऑप्शन डी होगा ऑप्शन डी इज द वन विच इज करेक्ट राइट एक्टोनाइट की वेरियबल बैलेंसी होती है रीजन अभी आपने देख लिया बिकॉज फाइव एफ सिक्स और सेवन एस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है कंपेरेबल होती है अभी आपने देख लिया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑनली प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट एक फैक्चुअल क्वेश्चन है याद करो जरा एक्टिनियम एक्टिनियम ये प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट शो करता है बिकॉज प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट शो करने के बाद इसकी स्टेबल कंफिगरेशन बन जाती है देखो तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो तो फुल्ली फिल्ड कंफिग्रेशन की बन जाएगी द मेन रीजन फॉर अच्छा ये तो वापस रिपीटेड क्वेश्चन ओके एक और क्वेश्चन भी आप बताओगे मुझे यह भी आप मुझे बताओगे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एल एओ होल थ्राइस इज लेस बेसिक देन एल आई ओच होल्थ राइस क्या ये सही स्टेटमेंट है वट यू थिंक चार्ट सो बताओ क्या ऑप्शन ए सही है क्या ऑप्शन ए सही है इसमें क्विकली 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 एवरी वन इज ऑप्शन ए करेक्ट ए इज नॉट करेक्ट है एल एच होल थ्राइस इट इज मोर बेसिक इट इज मोर बेसिक देन एल आई ओव होल थ्राइस आप बोल सकते हो कंपरेबल है राइट right? परफेक्ट बिल्कुल <coughs> चलिए कुछ क्वेश्चंस अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के और उसके बाद एसपी ब्लॉक पे भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर द लिगेंड दिया गया एक लिगेंड आपको बताना है -dentated, -dentated क्या है देखो शॉर्ट में कैसे देखोगे यहां एक नाइट्रोजन दिख रहा है इस पे एक लोन पेयर होगा तो एक साइड बन गई कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए अब यहां पे तीन और नाइट्रोजन है तीन मतलब तीन लोन पेयर और मिलेंगे तो तीन साइड्स और होंगी तो तीन साइड तो यहां पे एक साइड यहां पर तो टोटल तो मुझे चार साइट दिख रही है कॉर्डिनेशन बॉन्ड के लिए तो चार साइट अगर बन रही है कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए तो लिगेंड होगा

इसके पास दो साइड होती है कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए और दोनों साइमिल यूज कर देता है अब देखो जरा हैज टू डोनर एटम्स फॉर्मिंग टू सिग्मा बॉन्ड्स सही है ऑप्शन डी इज द वन राइट इसमें भी ज्यादा कुछ सोचना नहीं था द फॉलोइंग लिगेंड इज जरा ये लिगेंड एक बार देख लो ये क्या है कौन सा कैटेगरी का है एक बार चेक करो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर है तो कोऑर्डिनेटिंग साइड बन गई

जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा क्लियर ये भी ये भी क्लियर द टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने किसमें प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स देखो यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो पहले ही प्लस थ्री होगी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट से होगी अब देखो क्रोमियम की आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन होती क्या है थ्री डी फाइव फोर एस वन तीन बाहर निकाल दो तीन बाहर निकाल दो

में होगा क्या एक दो और तीन तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से चलिए जरा लुक एट दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन वट डू यू थिंक अबाउट दिस वन द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट इस कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले एक चीज बताओ यहां पे मैग्नीज की कंफिगरेशन क्या सॉरी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन क्या होगी प्लस टू बिल्कुल यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन क्या होगी प्लस से ठीक है ना यहां तक अब देखो मैग्नीज डाई पॉजिटिव स्टेट मैगनीज मैग्नीज डाई पॉजिटिव स्टेट में तो थ्री डी फाइव फोर इज जीरो होती कैसी है कुछ ऐसी वन टू थ्री फोर फाइव बट यहां पर लिगेंड देखो क्या लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है

राइट right? तो आंसर क्या होना है बताओ जरा आंसर क्या आ जाएगा एक तो डी टू एस पी थ्री दोनों का होगा आप सिमिलरली इसका भी चेक कर सकते हो ठीक है पैरामैग्नेटिक भी दोनों होंगे चलिए बोथ दिस एंड डायमैग्नेटिक आपको हाइब्रिडेशन देखनी है दोनों की देखो सिंपल सा क्वेश्चन निकल की ऑक्सीड यहां पर जीरो लिगेंड जुड़ा हुआ है राइट right? Nickel की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर प्लस टू है देख लिया आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल देख यहां पर निकल डाई पॉजिटिव यहां पर निकल डाई पॉजिटिव है तो इसकी आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन क्या होगी थ्री डी एट फोर एस जीरो दोनों जगहों पर देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जुड़े हुए अगर दोनों जगहों पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जुड़े हैं तो दोनों जगहों पे क्या होनी है पेरिंग होनी है राइट तो पहले आप ये कंफिग्रेशन जरा बनाओ थ्री डी एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यह होगी थ्री डी एट कंफिग्रेशन और दो सिमिलर यहां पे ये थ्री एट ही है सिर्फ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फोरस में जीरो राइट अब स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों जगहों पर दोनों जगहों पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है क्या होगी पेरिंग होगी

बताओ इनमें से कहां पे पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा है कहां पे पैरामैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा है पैरामैग्नेटिज्म मतलब आपको चेक करना है कि सेंट्रल मैटल एटम या आयन के पास कहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है देखना आ जाएगा आ जाएगा देखना आ जाएगा देखना क्विकली एवरी वन वन बाय वन चेक कर सकते हो वन बाय वन चेक कर सकते हो कर सकते हो ना इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट right? आयरन होता है 3d6 4s2 यहां पे आयरन डाइपोस्ट है तो 3d6 है 3d6 4s0 वीक फील्ड है कोई पेयरिंग नहीं होगी तो 3d6, 3d6 में चार अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा उतना पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा इन शॉर्ट कुछ लेगेंड्स दिए गए इनको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ये भी आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा ये तो ये तो ऑर्डर एनसीईआरटी पे भी दिया गया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का राइट ये तो ऑर्डर दिया भी गया एनसीईआरटी पे ये बहुत इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको सिर्फ चेक करना है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है कौन सा कम स्ट्रांग फील्ड है राइट ऑन द बेस ऑफ लेगे फील्ड स्ट्रेंथ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर्स

उतना एनर्जी गैप कम होगा जितना एनर्जी गैप कम होगा उतनी डी डी ट्रांजिशन ज्यादा होंगी और जितनी डी डी ट्रांजिशन ज्यादा होंगी उतनी इंटेंसिटी ऑफ कलर्स भी ज्यादा होगी कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी अब सोच समझ के बताओ क्या होना है स्प्लिटिंग कहां पे कम होगी जहां पे वीक फील्ड डिगेट होगा वीक फील्ड डिगेड कौन सा है सबसे सबसे वीक है सीएलगेटिव तो सीएल निगेटिव नेगेटिव सबसे वीक फील्ड तीनों में से तो सबसे कम स्प्लिटिंग एनर्जी गैप कम डी डी ट्रांस ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ कलर ज्यादा तो नेगेटिव ये फिर ये राइट right? तो ऑप्शन बी आएगा विच इज द करेक्ट आंसर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज ऑफ कोबाल्ट द मैगनेट ऑफ डेल्टा नॉट डेल्टा नॉट बताओ किसमें ज्यादा होगा हर जगह पे कोबाल्ट तो प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट में ही है

डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयोनिक रेडियस तो बढ़ेगी इसमें सोचना क्या है राइट परफेक्ट डाउन द ग्रुप जाओगे तो आयोनिक रेडियस तो बढ़ेगी और सारे ग्रुप सिक्सटी एलिमेंट्स हैं तो ऑप्शन ए होगा विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बताओ कौन से हाइड्राइड्स में बॉलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा बहुत कॉमन क्वेश्चन है राइट right?

इस जेना के पास सिमिलरलीयर होंगे होंगे राइट right? तो थ्री टू वन ऑर्डर होगा कोवलेंट वेक्टर का ऑर्डर पूछा, पूछा गया है देखो मेटल आयन तो हर जगह पे सेम है तो मेटल आयन को देख के आंसर नहीं करोगे आप, आप एन आयन को देखो एन आयन वेरी कर रहा है एन आयन वेरी कर रहा है एनआईन पे चार्ज तो सेम है अब साइज देखो एनआईन का जितना एनआईन का साइज ज्यादा होगा आपको पता होना चाहिए जितना एनआईन का साइज ज्यादा होगा उतनी एनआईन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और जितनी एनआईन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उतना कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा तो कोवलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा होगा एम आई एम बी आर ये कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर होगा खत्म क्वेश्चन क्लियर फजान जरूर? पढ़ाया मैं ना मैंने फजान जरूर आपको केमिकल बॉन्डिंग में चलिए हाउ मेनी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर नॉट पॉसिबल ये भी ये भी क्वेश्चन अच्छा है ये पता होना चाहिए कि इंटर हेलोजन कब बनता है इंटर हेलोजन मतलब जो इस फॉर्मेट में होगा एक्स एक्स डैश और दोनों हेलोजन होंगे दोनों हेलोजन होंगे बट डिफरेंट हेलोजन होंगे फॉर एग्जाम्पल आई सी एल फॉर एग्जाम्पल आई एफ राइट दोनों हेलोजन तो एक्स एक्स डैश कंपाउंड कब पॉसिबल होता है कब बनता है इसकी कंडीशन एक है क्या सबको पता है कंडीशन क्या है जिसको नहीं पता है ये कंडीशन जरा याद रख लेना ये दो स्टेटमेंट्स याद रखना जब भी आप इंटर हेलोजन बनाओगे एक्स एक्स डैश ठीक है ये जो पहला हेलोजन होगा पहली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए और इसका साइज जो है इसका साइज ज्यादा होना चाहिए एक्स डैश जो होगा दूसरा हेलोजन जो होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए और इसका साइज कम होना चाहिए यह कंडीशन अगर फॉलो हुई तो इंटरहैलोजन बनेगा नहीं हुई तो नहीं बनेगा शॉर्ट ठीक है इंटरहैलोजन बनने की कंडीशन यह है तो डायरेक्टली आज के बाद याद रखोगे आप ठीक अब चेक करो वन बाय वन पहला एक्स से दूसरा एक्स डैश है पहला एक्स से दूसरा एक्स डैश है अब चेक करोगे वन बाय वन कहां कहा सारी कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो इंटरहैलोजन बनेगा

आपको यही चेक करना था इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें जिस लिंकेज लिंकेज एसिड, जिसमें होती है। चलिए डबल बॉन्ड है नहीं एच टू एस टू ओ सेवन सुना होगा ओलियम जिसको बोलते हो आप ओलियम बोलते इसका S, हो इसका स्ट्रक्चर देखो एस डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है चेक करो क्या दो सल्फर डायरेक्टली अटैच्ड है नहीं दो सल्फर यहां पर डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है दो सल्फर एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं है बीच में ऑक्सीजन है राइट तो ओलियम ऐसा कंपाउंड है जो ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है ठीक नीट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का है बताओ जरा क्या होगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड Lithium सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है पोटेशियम पर राइट सॉरी सोडियम पोरऑक्साइड बनाता है पोटेशियम रुबीडियम सीजियम ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं राइट सुपर ऑक्साइड बनाते हैं नॉर्मल <coughs> ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन सेक्साइड्स में माइनस वन दिखेगी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सुपर ऑक्साइड में माइनस वन बाई टू दिखेगी राइट right? इसके एक एग्जाम्पल ले लो ये एल आई टू ओ है ये नॉर्मल ऑक्साइड है लिथियम का सोडियम का परऑक्साइड परऑक्साइड ये सोडियम ने बना लिया फॉर एग्जाम्पल के ओ टू ये पोटेशियम ने सोपर ऑक्साइड बना लिया यहां स्टेट माइनस टू यहां पर माइनस वन में और यहां पे ऑक्सीजन माइनस वन बाई टू में खत्म क्वेश्चन सिंपल बेसिक क्वेश्चन ठीक है ये पॉइंट जरा याद रख लेना सारे चलिए इसमें कितने क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं मैं चार क्वेश्चन और लेके आया था बट ये चार क्वेश्चन एज होमवर्क में दे रहा हूं आपको और ये चार क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे इनको ट्राई कर लेना इसका आंसर आप मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बता देना और इस सेशन की पीडीएफ जो होगी ये आपको यहां पर मिलेगी टी डॉट एम ई डब्ल्यू एस एस आई एम सी एच ई एम ठीक है परफेक्ट इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी इसमें मैंने चार पांच क्वेश्चंस आपको नहीं कराए रीजन बीइंग उनको खुद आप ट्राई करोगे उनका आंसर आप मुझे चैट में बताओगे ठीक परफेक्ट तो ये था हमारा आज का इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन कल मैं एक स्पेशल सेशन लूंगा कल दस ग्यारह बजे जिसमें हम सॉल्व करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है नीट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो नीट में बहुत बार सेम पैटर्न फॉलो हो चुका है एक बार जरा वो भी करते हैं उसके भी 40-50 क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से ऐसे है जो नीट में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है डिफरेंट चैप्टर्स से और ये क्वेश्चंस फिजिकल के भी हो सकते हैं ऑर्गेनिक के भी ऑर्गेनिक मिक्सर भी हो सकता है ठीक है यह मुझे देखना पड़ेगा पहले पड़े। परफेक्ट सही है कल हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो नीट में आए हुए केमिस्ट्री से वो सॉल्व करेंगे वो 40-50 क्वेश्चन जिससे आपको आइडिया मिलेगा बेसिकली कि एक चैप्टर में कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे जिस पे ज्यादा फोकस कर रहा है जिससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है राइट right? आपको वहीं से पता चलेगा ओके okay? चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में तब तक क्लियर टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल लव यू ऑल ठीक और आज का सेशन थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया डेढ़ घंटे में ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक घंटे में ही कंप्लीट होगा बिकॉज दिस इज इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यू नो हाउ इट इज चलिए परफेक्ट अब मिलते हैं कल सुबह दस या ग्यारह बजे शाम को थंबनेल ऑलरेडी अपडेट हो जाएगा वहां पे देख लेना कल सेशन कितने बजे होगा और एनीवेज मैं इस टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा कि सेशन कितने बजे है चले गए केयर गॉड ब्लेस यू ऑल बाय और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि सेशन कैसा लगा और डू लाइक द सेशन एज